हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन सफारी ब्राउज़र में कैसे पेज का जूम लेवल चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आईफोन सफारी ब्राउज़र में हम पेज का जो जूम लेवल है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप सफारी ब्राउज़र ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसका जो जूम लेवल होता है वो 100% होता है, लेकिन आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स में से आपको जाना होगा सफारी एप्लीकेशन में, और उसमें आपको वो सेटिंग्स मिल जाएगा। यहाँ पे सफारी में जब आप जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे आपको उसका जूम लेवल का सेटिंग मिलेगा। ये है पेज जूम, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट 100% है। मैं चाहूँ तो उसे 50% कर सकता हूँ। बाद में मैं सफारी ब्राउज़र में जाऊँगा और बाद में पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा तो पेज का जो डिफ़ॉल्ट जो जूम लेवल है वो मुझे 50% मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने स्क्रॉल किया है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो डिफ़ॉल्ट जो जूम लेवल है वो मुझे 50% मिल गया। यहाँ पे मैं जाऊँगा दूसरी साइड पे, इसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका भी जूम लेवल है वो छोटा हो जाएगा। मीन्स आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कम या तो फिर उसे ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।